देखिए जी, मैं चाली आ रही हूँ, बच्चे स्कूल से आए हैं, जल्दी जल्दी मामा जी मुझे चावल तो सालन तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं आलू वाले चावल बना देती हूँ। तो ये देखिए खिलारा क्या डाला हुआ किचन में, ये देखिए ये मैंने मसाला जल्दी जल्दी काट के रख दिया, मैंने कहा इसमें काट ले लूँ डब्बों में से मसाले में ले लूँ। ये पैन में रखे मसाले भी चूल्हे में डाल दिए, तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और ये आलू में काटने लगी। ये देखिए मैंने इसमें सारे मसाले का अगर डाल दी है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी गैस भी जाने वाली है और वो स्कूल से भी आ गए हैं, भूख लगी हुई है। और ये देखें इसके काम देखें, ये पता नहीं इसे फ्रेंड्स क्या हो गया, ये देखिए ना पानी नीचे भी नहीं जा रहा और साफ भी है, ये देखें ये साफ भी है और पानी नीचे भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों इसके मसला बन गया। मैंने कहा इसका पापा आदर सही करवा दे खाती हूँ मैं। और ये देखिए मानो मानो इधर हाय तो आधा किलो मेरे चावल थे और मैंने किलो पानी डाल दिया इसको, पानी डाल दिया जल्दी जल्दी बस बन जाए क्योंकि गैस जाने वाली है 2 बजे। बहुत मसला होता है गैस का और फ्रेंड जो दूसरी गैस है वो बहुत महंगी है, तो सिलेंडर भी नहीं है ना बनाने के लिए। ये देखिए बस पानी उबलने वाला है हमारा, फिर इसमें चावल डालते हैं। और ये देखें इसका मुंह देखें, इसे भूख लगी हुई है। और ये देखें बस इसे तो मारने के अलावा और कोई काम नहीं आता, ये देखिए मुझे मार रहा है, पानी हमारा उबलने लगा तो चावल डालते हैं इसमें। फ्रेंड्स साथ साथ ही ना मैं तो काम भी करी जाती हूँ और साथ साथ सफाई भी करनी चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह टाइम भी बच जाता है और इतना खलारा भी नहीं बढ़ता। जी जी बस बन गए हैं, बन गए 2 मिनट तक, ये देखिए चावल डाल दिए इसमें मैंने, बस थोड़ी देर तक हो जाएंगे। और इसे पूछे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे सुनने को। फ्रेंड्स अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और मुझे आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ जिस तरह आपने सबको सपोर्ट किया ऐसे मुझे भी सपोर्ट करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आज गैस चली गई थी हमारी और मैंने दोपहर का खाना बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो गैस आएगी तो बना लेंगे, अभी स्कूल से आए हैं तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चावल बना देती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ और चावल भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड बस पानी हमारा सूखने वाला है और मैंने उसे फिल्टर दे दिया, ये देखिए फिल्टर पी रहा है, ये देखिए खेल रहा है। फ्रेंड तंग नहीं करता मुझे, उससे पता है ना कि मेरी मामा काम करती है तो इस वजह से कुछ बच्चे तंग करते हैं, लेकिन ये मुझे तंग नहीं करता, ये खेलता रहता है सारा दिन। तो फ्रेंड्स ये हमारे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं जी, क्या हो गया है, कौन है ऊपर, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऊपर, पी लिया दूध, मुझे फिटर दे दो, मुझे दे दो ना, इसके पीने के तरीके देखिए, मुझे फिटर दे दो, इसके ऊपर बैठो ना, इसके ऊपर बैठो, ऊपर बैठ के चलाओ, हाँ ऊपर बैठ के चलाओ ना, ऊपर बैठो, हाँ ऊपर बैठो,
ऊपर बैठ के चलाओ, चलो चलो इससे चलाओ, कैसे चलाते हैं चलाओ, ये देखिए अपना कैसे चलाते हैं, ये जोर से चलाओ, जोर से चलो चलाओ, मैं कुछ नहीं कहती, चलाओ फ्रेंड्स हमारे चावल बस दम देने वाला हो गया। बस थोड़ा सा इसमें पानी है अभी, आग मैंने कहा थोड़ी सी तेज कर देती हूँ, पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। हम स्लो कर देते हैं बिल्कुल। ये देखें फ्रेंड्स, हाँ तो धूप निकली नहीं थी लेकिन अभी धूप निकली है, ये अम्मी लोगों ने कपड़े धोए हैं, और ये देखें सूरज मधम मधम है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि अभी सर्दियाँ तो आ गई हैं ना, वो देखें थोड़ी थोड़ी धुंध भी है उधर वो देखें। और फ्रेंड्स आज मैंने गंदम धोई थी क्योंकि हमारा आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो चावलों को दम दे के ऊपर आके कनक भी इसे हाथ हिला दूँ। ये देखें ये ना अभी गीली है ना, तो मैंने सुबह धोई थी ये वाली, तो ऐसे 20-35 किलो हम ना धो लेते हैं ना तो फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स हमारी ना ये कनक को सुसरी पड़ गई थी, ये देखें तो अभी तो बेहतर है ये देखें, लेकिन हमने इसमें गोलियां रख दी हैं, अब सुसरी वगैरह नहीं है इसमें, तो बस ये है कि हम जब भी खाते हैं ना तो धो के इसे पिसवाते हैं। मैंने कहा ये ना अभी गीली है ना तो फिर दूसरी ये चारपाई पे डाल दूँगी, क्योंकि फिर उस पे डाल दूँगी ना फिर जल्दी सूख जाएगी, तो वैसे ये महीना आधा डेढ़ महीना गुजर जाएगा, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है ना, बारिश भी हो सकती हैं, बादल भी हैं, धूप भी नहीं निकल रही क्योंकि सर्दियां तो आ गई हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा धो दी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चावल तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म चावल यहाँ दिखाती हूँ आपको चावल, ये देखिए बहुत मजे के बने हैं जीरे वाले चावल, ये देखिए जीरे का तड़का लगाया ना इस वजह से बहुत ज्यादा मजेदार बने हैं, और इसे देखिए ये देखिए इसके बस यही उल्टे काम है, क्या हो गया है। तो फ्रेंड्स अपने वीडियो के साथ बाहर।